हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अपने वीडियो लेक्चर में, दैट इज हेक्सर ऑलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, विच इज नोन एज मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेसिकली इन 1919 द स्वीडिश इकोनॉमिस्ट एली हेक्सर पब्लिश्ड एन आर्टिकल टाइटल द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसमें उन्होंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की एक आउटलाइन प्रेजेंट की। उनका ये आर्टिकल लगभग 10 सालों तक अननोटिस गया। जब उनके स्टूडेंट बर्टिल हॉलिन, अनदर स्वीडिश इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने उस आर्टिकल को पिक किया, उसके ऊपर वर्क किया और उसको क्लेरिफाई किया इन 1933 इन हिज फेमस बुक इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। बेसिकली जो एचओ थ्योरी है वो हेक्सर और हॉलिन दोनों के ही वर्क को इनकॉर्पोरेट करती है, इन दोनों के वर्क को ही कंसीडर करती है। बट द सेंस ऑफ द मॉडल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय हेक्सर ओनली, तो सो ड्यू क्रेडिट इज गिवन टू हिम बाय कॉलिंग द थ्योरी हेक्सर हॉलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं हम एचओ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, जो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा, एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, क्या कहती है कि दो नेशंस के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कंपैरेटिव कॉस्ट, कि उनकी जो प्रोडक्शन की कंपैरेटिव कॉस्ट है उनके अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी नेशन है वो वॉलेंट्रली ट्रेड के अंदर इंगेज होता है। बट इट मेड लिटल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ सच कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस। अब ये डिफरेंसेस क्रिएट क्यों होते हैं, इसके लिए उन्होंने कोई ज़्यादा प्रॉपर कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की। क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो भी हमारे रहे हैं, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो, उन्होंने जस्ट बताया कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दैट वाज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उन्होंने सिर्फ लेबर को ही लेके चले थे अपनी थ्योरी के अंदर। तो लेबर की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस पाए क्यों जाते हैं, उनके लिए इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं की, एक्सेप्ट फॉर पॉसिबल डिफरेंसेस इन क्लाइमेट। तो ये काम किया है हेक्सर ओलिन ने। हेक्सर ओलिन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन व्हाई कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस एग्जिस्ट इंटरनेशनली, और वो कहते हैं कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट में डिफरेंस पाए जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट्स। फैक्टर एंडोमेंट इज द अमाउंट ऑफ फैक्टर अ कंट्री पोजेसेस, एक कंट्री के पास जो भी उपलब्ध साधनों की मात्रा है उसको बोलते हैं हम साधन उपलब्धता या फैक्टर एंडोमेंट। और इन फैक्टर एंडोमेंट में डिफरेंस की वजह से ही फैक्टर्स के प्राइसेज है उसमें डिफरेंस क्रिएट होंगे। अब फैक्टर के प्राइसेज में डिफरेंस होगा तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होती है, उनकी कॉस्ट में डिफरेंसेज होंगे। तो यहाँ पे ऐसे कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेज क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी नेशन है वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें, जिनके बारे में यहाँ थोड़ा क्लियर या प्रिसाइज होना चाहिए, दैट इज फैक्टर इंटेंसिटी और फैक्टर अबंडेंस। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे। फैक्टर इंटेंसिटी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल इन अ वर्ल्ड ऑफ टू कमोडिटीज, फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई, एंड इन अ वर्ल्ड ऑफ टू फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल, वी से दैट द कमोडिटी वाई इज कैपिटल इंटेंसिव इफ द कैपिटल लेबर रेशियो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई इज ग्रेटर दैन कैपिटल लेबर रेशियो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। वाई को कैपिटल इंटेंसिव कब बोलेंगे, जब जो कैपिटल है पर लेबर कैपिटल, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम एब्सोल्यूट अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहे हैं कि पर लेबर जो कैपिटल यूज हो रही है इन द प्रोडक्शन ऑफ वाई, अगर वो एज कंपेयर टू एक्स अगर वो ज्यादा यूज हो रही है तो हम वाई को बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी नेशन के अंदर एक वाई की एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए दो यूनिट कैपिटल की और दो यूनिट लेबर की यूज हो रही है, तो वहां पे कैपिटल लेबर रेशियो है 2:2 इज इक्वल टू 1। और सेम एक्स की एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अगर 3 यूनिट कैपिटल की चाहिए और 12 यूनिट लेबर की चाहिए, तो यहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो है 1:4। तो यहाँ पे वाई के प्रोडक्शन के लिए जो कैपिटल लेबर रेशियो है दैट इज ग्रेटर दैन द कैपिटल लेबर रेशियो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि वाई इज द कैपिटल इंटेंसिव गुड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स के यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर कैपिटल यहाँ पे ज्यादा यूज हो रही है, 3 यूनिट्स हो रही है, लेकिन वाई के लिए 2 यूनिट्स हो रही है। लेकिन हम यहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट की बात नहीं करते हैं, बेसिक से यहाँ पे एक्स को प्रोड्यूस करने में कैपिटल ज्यादा यूज हो रही हो, लेकिन पर लेबर कैपिटल रेशियो कितना है वो ये चेक करेंगे हम वाई में, दैट इज ग्रेटर 1 और एक्स के अंदर दैट इज 1:4, कि पर लेबर 1:4 कैपिटल यूज हो रही है एक्स के अंदर और पर लेबर 1:1 कैपिटल यूज हो रही है वाई के अंदर। तो वाई यहां पे हम बोलेंगे कि वाई इज द कैपिटल इंटेंसिव गुड।
यह डायग्राम में जो कैपिटल लेबर रेशियो है उसको स्लोप के द्वारा दिखाया हुआ है। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्स पे हम लेबर को मेजर करते हैं और वर्टिकल एक्स पे कैपिटल को मेजर करते हैं, तो नेशन वन की अगर हम बात करते हैं तो वाई के प्रोडक्शन के लिए जो कैपिटल लेबर रेशियो यूज हो रहा है वो इस लाइन के द्वारा, इस लाइन के स्लोप के द्वारा दिखाया हुआ है कि वन वाई के लिए यूज हो रहा है 2 units ऑफ कैपिटल 2 units ऑफ लेबर। सिमिलरली अगर हमें डबल करना है प्रोडक्शन को, वाई की 2 units को प्रोड्यूस करना है तो 4 units ऑफ कैपिटल एंड 4 units ऑफ लेबर। सिमिलरली अगर एक्स के प्रोडक्शन के लिए जो रेशियो हमने यूज किया था दैट इज 1/4, तो 1 unit ऑफ कैपिटल एंड 4 unit ऑफ लेबर फॉर 1x, एंड 2x के लिए 2 units ऑफ कैपिटल एंड 8 units ऑफ लेबर। तो ये लाइन होगी, ये जो स्लोप होगा ये दिखा रहा है कैपिटल लेबर रेशियो इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड ये वाई के लिए। सिमिलरली आप नेशन टू के लिए यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि के बाई एल रेशियो इज हायर फॉर वाई, वाई के प्रोडक्शन में जो कैपिटल लेबर रेशियो वो हाई है, तो वाई कैपिटल इंटेंसिव गुड है। यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि नेशन टू के अंदर भी सिमिलरली कि जो कैपिटल लेबर रेशियो है वो वाई के लिए हाई है दैट इज 4 एज कम्पेयर टू 1 जो एक्स में है। तो वाई है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड है फॉर बोथ द नेशन वन, नेशन वन एंड नेशन टू एज वेल। होती है फैक्टर इंटेंसिटी। सेकेंड टर्म आती है हमारी फैक्टर अबंडेंस। There are two ways to define factor abundance. One way is terms of physical units, in terms of the overall amount of capital and labor available to each nation. Another way is to define the factor abundance is in terms of relative factor price, in terms of the rental price of capital and the price of labor time in each nation. So according to the definition of definition in terms of physical unit, if the ratio of total capital to the total amount of labor, यहाँ पे total capital की बात कर रहे हैं, is greater in nation 2 than nation 1, then nation 2 is capital abundant. यानी जो capital और labor जो total amount है उनका जो ratio है अगर वो nation 2 के लिए ज़्यादा है as compared to nation 1, तो हम कहेंगे कि जो nation 2 है that is capital abundant nation, ठीक है, पूंजी प्रधान देश है। दूसरा, अगर हम factor prices की बात करें in terms of factor prices, if the ratio of factor prices, that is price of capital and price of labor, if ratio of factor prices is lower, ध्यान दीजिएगा, is lower in nation 2 than in nation 1, then we can say कि nation 2 is capital abundant nation, ठीक है। यानी जो price ratio है capital and labor का वो अगर lower है, it means you can say कि capital अगर relatively cheaper है in nation 2, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नेशन टू वो कैपिटल अबंडेंट नेशन है। यहाँ पे हम टोटल जो फिजिकल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ में फैक्टर प्राइसेस की बात कर रहे हैं। तो अगर टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो नेशन टू में ज्यादा अवेलेबल है एज कम्पेयर टू नेशन वन, तो हम कहेंगे कि नेशन टू कैपिटल अबंडेंट नेशन है। सिमिलरली अगर जो प्राइस ऑफ कैपिटल है दैट इज जो प्राइस ऑफ कैपिटल, कैपिटल रिलेटिवली चीपर है इन नेशन टू, यानी जो रेशियो है प्राइस ऑफ कैपिटल का एंड प्राइस ऑफ लेबर का दैट इज लोअर इन नेशन टू एज कम्पेयर टू नेशन वन, तब भी हम कहेंगे कि नेशन टू है दैट इज कैपिटल अबंडेंट नेशन। यहाँ पे द रिलेशनशिप बिटवीन द टू डेफिनेशन ऑफ फैक्टर अबंडेंस इज क्लियर। द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट कंसिडर्स only the supply of factors, okay? यहाँ पे सिर्फ supply की बात हो रही है। The definition in terms of relative factor prices considers both demand and supply, क्योंकि हम जानते हैं जो main principle हमारे economics का रहा है कि जो किसी भी commodity का price है या factor का price है वो determined होता है by both demand and supply consideration under perfect competition, ठीक है। तो ये demand and supply दोनों को consider करता है और यहाँ पे सिर्फ supply को consider किया जाता है। Here we have plotted the production frontiers of nation 1 and nation 2 on the same set of axes. Since nation 1 is the labor abundant nation and the commodity X is the labor intensive commodity, तो जो nation 1 का जो production frontier है that is skewed towards the horizontal axis, जिसके ऊपर हमने commodity X को measure किया है। On the other hand, nation 2 is the capital abundant nation and the commodity Y is capital intensive commodity, तो nation 2 का जो PPC curve है, PPC production frontier that is skewed towards the vertical axis, जो measure करता है हमारा commodity Y को। अब बात करते हैं हम अजम्पशंस ऑफ द हेक्सर ऑलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की। द फर्स्ट अजम्पशन इज 2/2/2 मॉडल, यानी टू ही कंट्रीज को इन्वॉल्व कर सकते हैं, टू कंट्रीज यानी टू नेशंस, टू गुड्स एंड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड वन इज सेम टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द नेशन।
यानी बोथ नेशंस हैव असिस्ट टू एंड यूज द सेम जनरल प्रोडक्शन टेक्निक. अगर दोनों कंट्रीज के अंदर फैक्टर प्राइसेस सेम है तो दोनों ही नेशन के जो प्रोड्यूसर है वो सेम अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल यूज करेंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच कमोडिटी. जनरली फैक्टर प्राइसेस है वो यूजुअली डिफर ही करते हैं, तो कोई भी नेशन के अंदर जो प्रोड्यूसर है विल यूज मोर ऑफ द रिलेटिवली चीपर फैक्टर इन द प्रोडक्शन. थर्ड वन अजम्पशन इज कि कमोडिटी एक्स इज अज्यूम टू बी लेबर इंटेंसिव एंड कमोडिटी वाई इज कैपिटल इंटेंसिव. मीन्स कि कमोडिटी एक्स रिक्वायर्स रिलेटिवली मोर लेबर टू प्रोड्यूस देन कमोडिटी वाई इन बोथ नेशंस. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इन बोथ द नेशंस. मीन्स कि इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी कमोडिटी विल इंक्रीज आउटपुट ऑफ दैट कमोडिटी इन द सेम प्रोपोर्शन. अगर आप डबल करेंगे इनपुट्स को लेबर एंड कैपिटल को तो जो आउटपुट है वो भी सेम प्रोपोर्शन से यानी आउटपुट भी डबल हो जाएगा. दैट इज कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड दैट प्रिवेल्स इन बोथ द नेशन. नेक्स्ट वन इज इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन बोथ द नेशन. इट मीन्स कि इवन विद फ्री ट्रेड कि दोनों नेशन है, दो नेशन हम कंसिडर करके चल रहे हैं, दोनों ही नेशन दे कॉन्टिन्यू टू प्रोड्यूस बोथ द कमोडिटी. ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होता है कि वो सिर्फ एक कमोडिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, सारे रिसोर्सेज वहीं पर डाइवर्ट कर देते हैं. बेशक से फ्री ट्रेड हो रहा है लेकिन दोनों कंट्री हैं वो दोनों ही तरह की कमोडिटीज यानी एक्स और वाई दोनों को ही प्रोड्यूस करना कॉन्टिन्यू रखेंगी. ऐसा नहीं कोई भी कंट्री ऐसा नहीं कि वो किसी एक कमोडिटी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी. इट इम्प्लाइज दैट नाइदर ऑफ द टू नेशन इज वेरी स्मॉल. हाँ, नेक्स्ट इज टेस्ट आर इक्वल इन बोथ द नेशन. ये जो डिमांड प्रेफरेंसेज है जो हम देखते हैं डिफरेंस कर्व के अंदर वो दोनों ही आइडेंटिकल है बोथ द नेशंस के अंदर. यानी कि जब रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस दोनों नेशन के अंदर इक्वल हो जाते हैं विद फ्री ट्रेड फॉर एग्जांपल, तो बोथ नेशन विल कंज्यूम एक्स एंड वाई इन द सेम प्रोपोर्शन. नेक्स्ट वन इज परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ कमोडिटीज एंड द फैक्टर मार्केट. Means the producer, the consumers, traders of X and Y in both nations are each too small to affect the price of these commodity. And the same is true for each user and supplier of labor and capital also. So factor or commodity, dono hi market ke andar perfect competition prevail karta hai. Perfect factor mobility within each nation, but no international factor mobility. Means labor and capital are free to move. Indeed, they do move quickly from areas and industries of lower earning to areas and industries of higher earning. जब तक कि same type of labor and capital के लिए जो earnings है वो same नहीं हो जाती all areas के अंदर. On the other hand, there is zero international factor mobility. यानी जो international differences है factor earning के वो in absence of trade वो persist करते रहेंगे. यानी zero factor mobility होगी internationally. नेक्स्ट इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो टैरिफ्स एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस टू द फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. कि जो स्पेशलाइजेशन होगा प्रोडक्शन के अंदर दैट वुड प्रोसीड्स अनटिल जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है जब तक वो दोनों नेशन के अंदर ट्रेड के जरिए सेम नहीं हो जाते. फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी दोनों ही नेशन के अंदर अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज नहीं है. International trade between the two nations is balanced, means that the total value of each nation export equals the total value of nation's import. हमारी assumptions of the Hexer-Ohlin theory of international trade. अब हम बात करते हैं Hexer-Ohlin theorem की. That is, a nation will export the commodity whose production requires the intensive use of the nation's relatively abundant and cheap factor, and import the commodity whose production requires the intensive use of the nation's relatively scarce and expensive factor. यानी एक नेशन है वो उस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेगा जिसके प्रोडक्शन में उस फैक्टर का यूज हो रहा हो जो वहां पे रिलेटिवली अबंडेंट भी है यानी ज्यादा मात्रा में भी है एज कम्पेयर टू अदर नेशन, और चीप भी है कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, और उस कमोडिटी को वो इंपोर्ट करेगा जिसके प्रोडक्शन में वो फैक्टर ज्यादा यूज हो रहा हो रिलेटिवली जो वहां पे स्केयर्स है और एक्सपेंसिव भी है. यहाँ पे दिखाया हुआ है जनरल फ्रेमवर्क ऑफ एचओ थ्योरी, जनरली कैसे काम करती है Hexer-Ohlin थ्योरी. बेसिकली द टेस्ट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दे जॉइंटली डिटरमाइन द डिमांड फॉर फाइनल कमोडिटीज. डिमांड फॉर फाइनल कमोडिटीज क्रिएट्स डिमांड डिराइव डिमांड फॉर फैक्टर्स, और डिराइव डिमांड फॉर फैक्टर्स सप्लाई ऑफ फैक्टर के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं फैक्टर प्राइसेस को, एंड फैक्टर प्राइसेस टेक्नोलॉजी के साथ जॉइंटली डिटरमाइन करता है कमोडिटी प्राइसेस को, एंड दैट इज द डिफरेंस इन द रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस अमंग द नेशन
देन डिटरमाइंस कंपैरेटिव एडवांटेज एंड द पैटर्न ऑफ ट्रेड कि किन चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जाएगा एंड किन चीज़ों को इम्पोर्ट किया जाएगा. तो जो कंपैरेटिव डिफरेंसेज आते हैं कोस्ट के अंदर, जो कमोडिटी प्राइसेस के अंदर, वही एज एन अ बेसिस काम करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का. अब बात करते हैं हम दोनों क्राइटेरिया की, द प्राइस क्राइटेरिया एंड द फैक्टर अबंडेंस, फिजिकल क्राइटेरिया ऑफ फैक्टर अबंडेंस. तो प्राइस क्राइटेरिया मीन्स दैट अ कंट्री जहाँ पे कैपिटल रिलेटिवली चीप है और लेबर रिलेटिवली जहाँ पे एक्सपेंसिव है, दैट विल बी कोल्ड कैपिटल अबंडेंट कंट्री. बेसिक से वहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल उस कंट्री के अंदर वो चाहे बेसिक से रिलेटिवली कम है, लेकिन वहाँ पे जो कैपिटल है वो रिलेटिवली अगर वो सस्ती है, लेबर रिलेटिवली महंगा है, तो उसको हम पूंजी प्रधान देश ही बोलेंगे, कैपिटल अबंडेंट कंट्री ही बोलेंगे. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस क्राइटेरिया कैसे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो उस थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद इन डायग्राम. ये हमारे आइसोक्वाइंट कर्व है, YY1 एंड X1 फॉर बोथ द कमोडिटीज, फॉर बोथ द नेशन. दैट इज अ कर्व दैट शोज डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक कैपिटल एंड लेबर विच प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट. ये हमारी AB एंड CD दैट इज एंड P1 Q1 एंड P2 Q2, दीज आर द कॉस्ट लाइन विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन फैक्टर विच कैन बी ऑब्टेन एट द सेम कॉस्ट. तो दीज आर द कोस्ट लाइन AB एंड CD फॉर नेशन 1 एंड दीज फॉर P1, Q1, P2, Q2 फॉर नेशन 2. सॉरी AB एंड CD फॉर नेशन 2 एंड P1, Q1 एंड P2, Q2 फॉर नेशन 1. तो हम यहाँ देखेंगे कि नेशन 1 एंड नेशन 2 को हम कंपेयर करते हैं कि जो प्राइस जो रेशियो है, यानी प्राइस फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस का जो रेशियो है, दैट इज लोअर इन नेशन 2. हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो नेशन 2 है वो क्या है, कैपिटल अबंडेंट नेशन है, कि यहाँ पे जो प्राइस रेशियो है, फैक्टर प्राइस रेशियो, वो लोअर है एज कम्पेयर टू नेशन 1, यानी प्राइस ऑफ कैपिटल डिवाइड बाई प्राइस ऑफ लेबर, यानी R/W इज लोअर इन नेशन 1 एज कम्पेयर टू नेशन 1. तो नेशन 2 है वो कैपिटल अबंडेंट नेशन है. तो हम नेशन 2 के अंदर अब प्रोडक्शन कॉस्ट को मेजर करेंगे कि जो दोनों कमोडिटी है X एंड Y, उन दोनों कमोडिटी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या आएगी. तो यहाँ पे हमने ज्यूम किया कि Y हमारी कैपिटल इंटेंसिव अजम्पशंस में हमने देखा था कि X है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है और Y है वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है. तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ Y इन नेशन 2 कैन बी प्रोड्यूस विद, यहाँ पे हम इसके जो आइसोक्वांट कर्व है Y का, दैट इज YY1, इस पर हम चेक करेंगे विद द आइसोकॉस्ट लाइन ऑफ फॉर नेशन 2. तो 100 यूनिट्स ऑफ Y कैन बी प्रोड्यूस विद OF, इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है, OF कैपिटल एंड OM अमाउंट ऑफ लेबर, राइट. सिमिलरली प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 100X, तो अगर X कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट है वो मेजर करेंगे, दैट इज OF कैपिटल एंड OM1 अमाउंट ऑफ लेबर. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेशन 2 कैन प्रोड्यूस Y कमोडिटी एट रिलेटिवली लेसर कॉस्ट कंपेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ X गुड, कि जो कैपिटल का अमाउंट है दैट इज सेम फॉर बोथ द कमोडिटी OF कैपिटल, बट लेबर का अमाउंट है वो नेशन 2 के लिए Y के प्रोडक्शन में कम कॉस्ट आ रही है, तो Y उसको रिलेटिवली कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर पा रहा है. तो सो नेशन 2 शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ Y एंड एक्सपोर्ट द सेम, ठीक है. सिमिलरली आप नेशन 1 के लिए आप प्रोडक्शन कॉस्ट मेजर कर सकते हैं. वहाँ पे भी देखेंगे आप कि नेशन 1 है वो X कमोडिटी को कम कॉस्ट पे रिलेटिवली प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो नेशन 1 को X कमोडिटी के प्रोडक्शन के अंदर स्पेशलाइजेशन गेन करना चाहिए और उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए. और नेशन 2 को, जो कि कैपिटल अबंडेंट नेशन है, तो नेशन 2 को कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी यानी Y उसको प्रोडक्शन करना चाहिए और स्पेशलाइजेशन गेन करना चाहिए और उसी का एक्सपोर्ट करना चाहिए. तो लेबर अबंडेंट कंट्री है वो लेबर इंटेंसिव गुड को प्रोड्यूस करेगी एंड कैपिटल अबंडेंट कंट्री है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड को प्रोड्यूस करेगी और उन्हीं वस्तु का वो एक्सपोर्ट करेगी. सेकेंड वन इज फिजिकल क्राइटेरिया और फैक्टर अबंडेंस. दैट मीन्स इफ इन ए कंट्री कैपिटल रेशियो, कैपिटल लेबर रेशियो इज ग्रेटर as against another country, then it will be called the capital intensive country. कि जो total amount of capital and labor ratio है, अगर nation 1 और nation 2 की बात कर रहे हैं, तो nation 2 को हम capital abundant कब बोलेंगे, जब capital और total capital total labor का जो ratio है वो greater है as compared to nation 1. तो नेशन 1 है वो लेबर अबंडेंट नेशन है और नेशन 2 है वो कैपिटल अबंडेंट नेशन है. तो यहाँ पे हम फिजिकल क्राइटेरिया के हिसाब से हम चेक करेंगे कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड होगा.
यहाँ पे हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर ली है, ए बी है दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर नेशन टू एंड सी डी फॉर नेशन वन, ठीक है। उसके बाद जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है दैट इज एक्स, वो हमने एक्स एक्सिस में मेजर की है, और वाई जो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी है दैट इज वाई, वो हमने वाई एक्सिस में मेजर करी है। इफ बोथ द कंट्रीज प्रोड्यूस बोथ द गुड्स इन द सेम रेशियो देन दे विल प्रोड्यूस अलोंग द रे ओ आर, तो नेशन टू विल प्रोड्यूस ऑन हिज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑन पॉइंट ई एंड नेशन वन विल प्रोड्यूस एट पॉइंट एफ ऑफ इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉइंट ई के ऊपर द स्लोप ऑफ पीपीसी ऑफ नेशन टू इज स्टीपर देन द स्लोप ऑफ पीपीसी ऑफ नेशन वन, वो क्या है, वो फ्लैटर है, वो स्लीपर है। यानी जो प्राइस लाइन है P1 यानी प्राइस लाइन ऑफ नेशन टू इज स्टीपर देन P2 यानी जो प्राइस लाइन ऑफ नेशन वन। तो वाई यहाँ से क्या पता चलता है कि जो वाई कमोडिटी है दैट इज रिलेटिवली चीपर इन नेशन टू एंड एक्स कमोडिटी इज रिलेटिवली चीपर इन नेशन वन। तो नेशन टू शुड प्रोड्यूस वाई कमोडिटी दैट इज कैपिटल इंटेंसिव एंड नेशन वन शुड प्रोड्यूस एक्स कमोडिटी दैट इज लेबर इंटेंसिव। यानी जो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है नेशन टू है वो प्रोड्यूस करेगा कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी एंड लेबर अबंडेंट नेशन है यानी कि नेशन वन वो प्रोड्यूस करेगा जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी यानी कमोडिटी एक्स, और उन्हीं वस्तुओं का उन्हीं कमोडिटीज का वो म्यूचुअली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगे। तो दिस वॉज एक्सर ऑल इन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थैंक यू वेरी मच।